الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا آمنت بالله صدق الله العظيم बुजुर्गान मोहतरम, इस वक्त मैंने आपके सामने कुरान मजीद की सूरतुल अहज़ाब की मशहूर आयत तिलावत की है, जो आप में से तकरीबन सभी मुसलमान पढ़ते हैं या सुनते हैं या उसका तर्जुमा जानते हैं। लेकिन उसके साथ मैंने अगली आयत भी जिक्र की, क्योंकि कुरान मजीद ने दोनों आयतों को साथ ही जिक्र किया है। जो दो आयतें मैंने तिलावत की, उनमें से पहली आयत यह है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर रहमतें नाजिल करते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी नबी पर रहमतें नाजिल करो और उन पर सलाम भेजो। अगली आयत जो बिल्कुल इसके साथ कुरान मजीद ने जिक्र की है, वो जो मैंने पढ़ी, उसका तर्जुमा अगली आयत का ये है कि इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो लोग अल्लाह और रसूल को तकलीफें पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ने उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया है। ये दोनों आयतें कुरान मजीद में साथ साथ जिक्र की गई हैं, और मुसलमानों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम इस दुनिया के जो सबसे मुकद्दस तरीन इंसान हैं और जो सबसे मिसाली नमूना हैं और जिनको अल्लाह सुबहानहु व तआला ने तमाम इंसानों में मुंतखब करके खातमुन नबीयीन के तौर पर इस दुनिया में भेजा था, तो मुसलसल उनके ऊपर दुरूद पढ़ते रहो और सलाम भेजते रहो। और अगली आयत में ये बात इरशाद फरमाई गई कि जो लोग अल्लाह रसूल को तकलीफें पहुंचाते हैं, यानी तकलीफों वाली बात करते हैं, तो उन पर अल्लाह की लानत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। लानत के माना है अल्लाह ताला की रहमत से दूर होना, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से दूर कर दिया है दुनिया में भी और आखिरत में भी। वअअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और अल्लाह ने
ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा है। ये दो आयतें हैं। जो पहली आयत है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से तकरीबन हर मुसलमान को याद भी है, या कम से कम उसकी पढ़ी और देखी और सुनी हुई है। लेकिन दूसरी आयत आम तौर से पढ़ी नहीं जाती, तो इसलिए वो भी मैंने साथ जिक्र कर दी। अल्लाह सुबहानहू व तआला ने जब इस कायनात को पैदा किया तो इस कायनात के अंदर जो अशरफुल मखलूकात है उसे इंसान को पैदा किया, और इंसानों में भी सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और अल्लाह सुबहानहू व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने हज़रत आदम को अपने हाथों से पैदा किया है, खलकतु बियदैया, कि मैंने अपने हाथों से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो दुनिया में बहुत सारी मखलूकात हैं, तरह तरह की जमादात, नबादात, खला, फिर खला के अंदर तरह तरह के सैयारे, तरह तरह के सितारे और कहकशाएं और पता नहीं क्या कुछ। अब तक तमाम साइंसदान मिलकर भी कायनात की वसत का अंदाज़ा नहीं कर सके, अंदाज़ा नहीं है कि कायनात में कितनी कहकशाएं हैं, कितने सितारे हैं, कितने सैयारे हैं, कितनी ज़मीनें हैं, कितने चांद हैं, कुछ अंदाज़ा अब तक नहीं हो सका। एक रफ़ अंदाज़ा जिक्र करते हैं। तो अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इतनी बड़ी कायनात पैदा की, फिर उन कायनात में छोटी सी एक ज़मीन पैदा फरमाई, फिर उस ज़मीन के अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह की मखलूकात पैदा की, समंदर भी हैं, पहाड़ भी हैं, और जनाब नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, और तरह तरह के हैवानात भी हैं। लेकिन इन तमाम मखलूकात में सबसे अफजल इंसान को पैदा किया गया, इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। और ये 100% बात ठीक है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वलकद करमना बनी आदम, हमने बनू आदम को इज्जत अता की है, हमने बनु आदम को इज्जत अता की है। चुनाचे इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को अपना खलीफा बनाया इस ज़मीन के अंदर। चुनाचे पूरी ज़मीन पे आप हुक्मरानी देखें तो इंसानों की हुक्मरानी नज़र आएगी, न शेर की है, न चीते की है, न सांप की है, न बिच्छू की है, न परिंदों की है। हुक्मरानी अगर है तो किसकी है? इंसान की है। इंसान को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया है कि ज़मीन में तुम्हें मैं अपना खलीफा बनाता हूँ। और अल्लाह ताला ने यह ऐलान कर दिया कि खलक लकुम मा फिल अर्ज जमीआ, कि हमने ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए पैदा कर दी हैं। चुनाचे जितने पहाड़ हैं, समंदर हैं, और जानवर हैं, और नबातात हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और तरह तरह की नेमतें हैं, ये सारी अल्लाह सुबहानहू व तआला ने इंसानों के लिए पैदा की। फिर इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने तरह तरह के इंसान पैदा किए कि जनाब, और ऐसे ऐसे इंसान हैं कि करोड़ों क्या अरबा अरब इंसान हैं, मगर एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। एक की उंगली का जो पोरा है और पोरे के निशानात हैं वो दूसरे से नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक मुस्तकिल मखलूक पैदा किया है। हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है, अपने DNA के एतबार से, अपने चेहरे और अपने जनाब हुलिये के एतबार से, और अपने निशानात के एतबार से उसकी हर चीज़ दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होती है। फिर इंसानों में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने नमूने पैदा किए कि जो तमाम इंसानों के लिए नमूना बने कि देखो इंसान होता है तो ऐसा होता है। चुनाचे उन नमूनों को कहा जाता है अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम। और जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया पैदा की और इंसान पैदा किए तो अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम का सिलसिला भी मुसलसल जारी रहा। और जो भी नबी आता है वो अपने जिस्मानी एतबार से भी बिल्कुल मुकम्मल होता है और अखलाकी एतबार से भी मुकम्मल होता है। और चूंकि जिस्मानी एतबार से भी वो मुकम्मल होता है, इसलिए कोई भी नबी कभी माजूर नहीं होता, कोई लंगड़ा नहीं होता, कोई नाबीना नहीं होता,
कोई माजूर नहीं होता, हमेशा मुकम्मल सेहतमंद इंसान होता है, उसको नबी बनाकर भेजा जाता है। क्योंकि अल्लाह सुबहानहू व तआला तमाम इंसानों में अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को मुंतखब करके उनको आइडियल और नमूना बना के भेजते हैं, और चूंकि वो मुकम्मल होते हैं इसलिए इंसानों की तरह उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है, सर्दी भी उनको लगती है, गर्मी भी उनको लगती है, बुखार भी उनको आता है, चोट भी उनको लग जाती है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को होती हैं, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम अपने जिस्म के एतबार से और अपने अखलाक के एतबार से और अपनी सीरत के एतबार से मुकम्मल नमूना होते हैं तमाम इंसानों के लिए, और इंसानों को बताया जाता है कि देखो ये भी इंसान है, इसको भी तुम्हारी तरह भूख लगती है, प्यास लगती है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये भी निकाह करता है, ये भी घर में बीवी बच्चे रखता है। वलकद अरसलना रुसुलन मिन कब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन वज़ुर्रिय्या, हमने बहुत रसूलों को भेजा है, हमने सबकी बीवियां बनाई हैं, औलाद बनाई हैं, बनाए हैं, उनके भी माँ बाप होते हैं, उनके भी बहन भाई होते हैं, उनके भी रिश्तेदार होते हैं, उनके भी वही मसाइल होते हैं जो हमारे और आपके होते हैं, लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला उनको नमूना बनाकर भेजते हैं कि देखो इनको देखो, तमाम जरूर इंसानी हाजात इनके साथ भी हैं, लेकिन ये किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। और अजीब बात यह है कि अगर आप अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें, अगर आप अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखें तो उनमें से कोई नबी ऐसा नहीं है जो सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुआ हो, यार जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है ना वो जनाब आराम और राहत से और जनाब फूलों की सेज पर गुजारी हो। जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम आए हैं उनको मेहनत और मशक्कत की जिंदगी दी जाती है, चुनाचे वो बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक मुसलसल मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, रिस्क हलाल कमाते हैं, घर बनाते हैं, और जनाब तमाम इंसानों का हक अदा करते हैं, और फिर आखिरत की तैयारी करते हैं और अल्लाह सुबहानहू व तआला का आला कुर्ब हासिल करते हैं। जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हैं सब सब्र करने वाले होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद ने एक जगह में फरमाया, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्मी मिनर रुसुल, आप सब्र कीजिए जैसे आपसे पहले बड़े बड़े पैगंबरों ने सब्र किया है, आप सब्र कीजिए जैसे आपसे पहले बड़े बड़े पैगंबरों ने सब्र किया है। जो भी नबी आता है वो मेहनत मशक्कत की जिंदगी गुजारता है। आप समझते हैं कि हम ही मेहनत मशक्कत की जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन आप कभी अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की सीरत भी तो पढ़ें, आपको पता चले कि अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम कितनी मेहनतों और मशक्कतों से गुजर कर फिर आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरा में तशरीफ ले जा रहे थे, तो वहाँ झाड़ी थी तो उसमें उसका फल मीठा भी होता है, जानवर भी खाते हैं इंसान भी खाते हैं जैसे जंगली बेर हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि देखो भाई ये जो फल है इनमें काला काला जो है ना वो निकालो, वो बड़ा मज़ेदार होता है, इनमें जो काला फल है वो निकालो और वो तलाश करो, वो मजेदार होता है। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह क्या आपने बकरियां चराई हैं, क्योंकि ये बात तो सिर्फ चरवाहों को मालूम होती है कि ये जो झाड़ियां हैं इनका जो फल है काला वाला वो मजेदार होता है, दूसरा मजेदार नहीं होता, उसमें लज्जत नहीं होती। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ मैंने अहले मक्का के लिए बकरियां चराई हैं, मैंने अहले मक्का के लिए बकरियां चराई हैं, कुछ दराहिम पर, दराहिम मुझे मिलते थे मैं बकरियां चराता था। और यह भी फरमाया कि मा मिन नबीयिन इल्ला वक़द रआहा, कोई नबी ऐसा नहीं है जिसने बकरियां ना चराई। हम तो समझते हैं बस गद्दों पे बैठ जाएं और आराम से जिंदगी गुजार लें, लेकिन अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की आप जिंदगी देखें पूरी मेहनत और मशक्कत की जिंदगी है। इस कायनात के जो मुकद्दस तरीन इंसान हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में जो सबसे मिसाली इंसान है और सबसे अफजलुल अंबिया अलैहिस्सलाम है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अभी व उम्मी है।
लेकिन आप जानते हैं कि अभी आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके वालिद का इंतकाल हो गया, अभी आप बच्चे थे, आपकी वालदा का इंतकाल हो गया, फिर दादा आपको पाल लेते, दादा का इंतकाल हो गया, चचा ने आपको पाला है। आप में तो माशाल्लाह कितने लोग हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह माँ की मोहब्बत भी देखी है, बाप की शफकत भी देखी है और तरह तरह की नेमतें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन मुश्किल हालात से गुजारा गया। आपने बकरियां चराई हैं, आप तिजारत के लिए शाम तशरीफ ले गए, और जब 40 साल पूरे हो गए आपकी उम्र के, उसके बाद जो है आपने आपके ऊपर वही आनी शुरू हुई, और फिर आप निकले हैं तबलीग के लिए और दावत के लिए और लोगों को जन्नत में भेजने के लिए और जहन्नुम से बचाने के लिए, तो कदम कदम पर आपको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। आपकी मोहब्बत करने वाली बीवी भी थी, आपकी मोहब्बत करने वाले बेटों की तरह अली मुर्तजा भी थे, आपके दोस्त अबू बकर सिद्दीक भी थे, आपके गुलाम जैद इब्न हारिसा भी थे जो आपके जानिसार और आपके आशिक थे, लेकिन आपके मुखालिफ भी थे, बदतरीन मुखालिफ थे, जो आपकी पीठ के ऊपर ओजड़ी तक रख देते थे। आपको नमाज पढ़ना उन्होंने मुश्किल कर रखा था, बाहर निकल के नमाज पढ़ना मुश्किल होता था। इन मुश्किल हालात के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का मुकर्रमा में जिंदगी गुजारी, यहां तक कि जिस घर जिस शहर में आप पैदा हुए थे मक्का मुकर्रमा, और जहां 53 साल आपकी उम्र के गुजर गए थे, वहां आपके लिए रहना मुश्किल हो गया, तो आपने मक्का मुकर्रमा से हिजरत की और फिर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए, और 10 साल आपने मदीना मुनव्वरा में गुजारे हैं। और 10 साल में अगर आप देखें तारीख के अंदर, अक्सर साल वो है कि जिसमें यहूदी आपके खिलाफ थे, मुनाफिक आपके खिलाफ थे, मदीने में यहूदी थे जो कदम कदम पर आपको सताते थे, मुनाफिक थे जो आपको कदम कदम पर सताते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे। आपने पूरी जिंदगी मुस्कुरा कर गुजारी है। साहबा कहते हैं हमने किसी को इतना मुस्कुराते हुए नहीं देखा जितना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने मुस्कुराते हुए देखा है। आप रहमतुल्लिल आलमीन थे, आप लोगों से इंतकाम नहीं लेते थे, अपनी जात के लिए आपने कभी इंतकाम नहीं लिया, सजाएं जारी करते थे अल्लाह की हद के तौर पर, लेकिन आपकी जात को कोई कहता था आप सब्र करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक आदमी ने बहुत सख्त जुमला कहा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, बल्कि मैंने उस आदमी से भी कहा कि मैं तुम्हारा जुमला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाऊंगा। चुनाचे वो आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, फला आदमी ने यह जुमला कहा है आपके बारे में कि आपने तकसीम सही नहीं की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक गुस्से से सुर्ख हो गया, लेकिन आपने एक लफ्ज नहीं कहा, सिर्फ ये जुमला फरमाया कि रहीम अल्लाह मूसा लकद उज़िया बे अक्सर मिन हादा फसबर। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए, उनको मुझसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गईं, उन्होंने सबर से काम लिया, मैं भी सबर से काम लूंगा। अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल फरमाए, उनको मुझसे ज्यादा तकलीफें पहुंचाई गईं, उन्होंने सबर से काम लिया, मैं भी सबर से काम लूंगा। चुनाचे आपने सबर से काम लिया। एक आदमी ने आपके सामने बड़ा सख्त जुमला कहा और फरमाया, तो आपने फरमाया अफसोस है तुम पर, अल्लाह ताला तो मुझे अमीन समझता है, तुम मुझे अमीन नहीं समझते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजारी। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी आप देख लें, तमाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम मुश्किल हालात से गुजरे हैं। आप इन सब हजरात को बड़े मुश्किल हालात से गुजारा जाता है, बकरियां इनसे चराई जाती हैं, मेहनत मशक्कत इनसे कराई जाती है ताकि उनको आम मुसलमानों की तकलीफों का एहसास हो, आम इंसानों की तकलीफ का एहसास हो। ये अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम जब दुनिया से गए हैं तो ऐसे उसूल छोड़कर गए हैं कि आज पूरी दुनिया के अंदर सच सच है, झूठ झूठ है। पूरी दुनिया के अंदर निकाह निकाह है, जिना जिना है, हलाल हलाल है, हराम हराम है। दुनिया में 80-85% लोग यही कहते हैं कि डाका बुरी चीज है, कत्ल बुरी चीज है, जिना बुरी चीज है, चोरी बुरी चीज है, धोखा दही बुरी चीज है, रिश्वत बुरी चीज है। ये किसने उसूल पैदा किए?
किसने उसूल ये जहनों में बिठाए, आप चाहे उन लोगों में चले जाएं जो मुसलमान हैं या उन लोगों में चले जाएं जो मुसलमान नहीं है, हत्ता कि उन लोगों में चले जाएं जो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को नहीं मानते, रूस है और दूसरे इलाके हैं, वहां भी लोग कहते हैं कि सच सच है, झूठ झूठ है, निकाह निकाह है, जिना जिना है, चोरी गलत चीज है और जनाब रिस्क हलाल कमाना सही चीज है, रिश्वत हराम है। हर जगह पूरी दुनिया के अंदर ये उसूल जो जहनों में बिठाए, किसने बिठाए हैं? अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम। ये सबसे बड़े हमारे मोहसिन हैं अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम। फिर अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में हमारे जो सबसे बड़े मोहसिन हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु अबी व उम्मी। आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए मेहनत की है, मशक्कत की है, तकलीफें उठाई हैं, लेकिन आप हमारे लिए एक रास्ता छोड़कर गए जन्नत में जाने का भी और सरबलंदी का भी। 2 अरब मुसलमान इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं जो सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और आपके आशिक हैं। कुरान ने फरमाया फल्लज़ीन आमनू बिही व अज़रूहु व नसरूहु व तबअउन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मा उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग रसूल पर ईमान लाते हैं, जो रसूल की इज्जत करते हैं और जो रसूल की पैरवी करते हैं, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वही लोग कामयाब। तो हमारे सबसे बड़े मोहसिन जो हैं वो अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हैं और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम में भी हमारे सबसे बड़े मोहसिन जो हैं मोहसिन आजम। अल्लाह ताला तो खालिक और मालिक है, लेकिन तमाम मखलूकात में हमारे जो सबसे बड़े मोहसिन हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा वालिद और औलाद से भी बढ़कर है। अगर वालिद और औलाद किसी नाजायज काम का हुक्म दें तो साफ कह दिया जाएगा कि अम्मी जी, अब्बा जी, आप जूते मार लो, मैं आपकी खिदमत करता रहूंगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत नहीं करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक के मैं उसे उसके वालिद से, उसकी औलाद से और तमाम लोगों से सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए। मुझे एक वाकया याद आ गया, उसको सुना के ख़त्म करता हूँ, वक्त कम है, बाकी अगर जिंदगी रही तो अगले जुमे इंशाअल्लाह ताला। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, हज़रत मौलाना शेख अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह, तो वो एक जगह गए तो वहाँ उन्होंने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का और अजमत का। तो वहाँ एक नवाब साहब भी थे, उनके वालिद का इंतकाल हो चुका था, कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ था, तो वो कहने लगे कि मौलाना मेरे कभी कभार मुझे दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे अपने वालिद से शायद बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मुझे कभी डर ये होता है कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा है। तो हज़रत चुप हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें बयान करने लगे। अब जब बातें बयान करने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो उन पर बड़ा असर हुआ, क्योंकि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ज़ात ही ऐसी है कि उनका जिक्र आ जाता है तो दिल की अजीब कैफियत हो जाती है। तो वो साहब रोने लगे, तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर के बाद फरमाया कि चलो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छोड़ते हैं, अब आपके अब्बा जी का जिक्र करते हैं। कहने जी तौबा तौबा, मेरे अब्बा जी का क्या, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। मालूम हुआ कि दिल में उनके भी मोहब्बत अल्लाह रसूल की ज्यादा थी, क्योंकि आदमी उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक के आदमी के दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो। और चूंकि हमारे सबसे बड़े मोहसिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए हमें हुक्म यह है कि कसरत से दुरूद भेजो, सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भी भेजो और सलाम भी भेजो। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ें तो इसमें दुरूद भी आ जाता है, सलाम भी आ जाता है।
और हम जब तशहुद पढ़ते हैं उसमें भी हम अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ऐ नबी आप पर सलामती हो, आप पर अल्लाह की रहमतें हों, आप पर अल्लाह की बरकतें हों। फिर आगे हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जितना भी हमें तौफीक हो हमें दुआ एहतमाम करना चाहिए दुरूद शरीफ का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत में इजाफा करना चाहिए। इसी में हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह ताला मुझे भी इसकी तौफीक अता फरमाए, आसाब ज़रात को भी इसकी तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।